आपको याद है कुछ टाइम पहले तक पेट्रोल पंप पर नो मोबाइल फोन अलाउड का वार्निंग लगा रहता था, बट आप अगर अभी इस पेट्रोल पंप पे जाके देखोगे या किसी पर भी, आपको दिखेगा हर एक कस्टमर अपने मोबाइल फोन खोलकर यूपीआई से धनाधन पेमेंट किया जा रहा है। हमें तो जीवन भर यही सिखाया गया है कि जब आप पेट्रोल भरते हैं तो उसमें से कुछ फ्यूम्स निकलती है जो आपके फोन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इंटरफेयर करके हो सकता है ब्लास्ट या आग लगा दे। 2018 में तो हैदराबाद पुलिस ने एक वीडियो को ट्वीट भी किया था, उसमें साफ दिख रहा था कि पेट्रोल पंप पर आग लग गई है, बट बाद में यह सवाल भी उठा था कि इस बात का प्रूफ नहीं है कि फोन की वजह से लगी। अब नवंबर 2016 तो आपको याद ही है, डीमोनेटाइजेशन, लोगों के पास कैश था ही नहीं, तो सरकार ने सोचा क्या सचमुच मोबाइल फोन से पेट्रोल पंप पर आग लग सकती है, क्योंकि अगर नहीं लगती है तो बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा। तो सरकार ने पेट्रोलियम सेफ्टी एंड एक्सप्लोसिव ऑर्गेनाइजेशन से पूछा, वहां से जवाब आया कि इट इज एब्सोल्युटली सेफ टू यूज योर मोबाइल फोन ऑन अ पेट्रोल पंप ऑन अ सर्टेन हाइट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पंप। मुझे लगता है ये उससे भी ज्यादा सेफ है, क्योंकि करोड़ों लोग पेट्रोल पंप पर आके अपना फोन निकालते हैं, कौन कितनी हाइट पर या कितने डिस्टेंस पे यूज कर रहा है इसको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है। बस फिर क्या था, सरकार लग गई धनाधन प्रमोशन पे, अब आपको पेट्रोल पंप पर यूपीआई और कैशलेस ट्रांजैक्शंस के एड्स भी दिखेंगे। अब आप कमेंट में कोई ऐसा दूसरा रूल बताओ जो आपको लगता है नहीं होना चाहिए, क्या पता फ्यूचर में ना रहे।